बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, नया नहीं है पुराना है, लेकिन आज भी उसके बारे में उतनी ही क्रियोसिटी है जितनी उस समय जिस समय ये स्टार्ट हुआ था। तो ये जो टॉपिक है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि इंसान जो हमारे भगवान की सबसे बुद्धिमान बनाई हुई जो जीव हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इंसान जो है वो उसके पास जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो है उसका दिमाग। तो अपने दिमाग को यूज़ करके जो इंसान है उसने सोचा कि कुछ इस तरह की मशीन्स बनाई जाएं कि वो उसके काम को थोड़ा आसान कर दें। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ह्यूमंस ने उसको यूज़ करके उनकी तीन चीज़ों को यूज़ किया है। जो आज जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, अभी भी हम कह लीजिए कि जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के तीन लाइफ के फेज होते हैं, एक चाइल्डहुड फेज होता है, यंग फेज होता है और ओल्ड फेज होता है। तो ओल्ड के बाद तो खत्म हो जाता है, बट यहाँ खत्म होने वाली बात नहीं है, अभी भी हम एआई के चाइल्डहुड फेज में हैं। तो अगर हम इस तरीके से उसको अलग अलग फेज में डिवाइड करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो तीन अलग अलग फेज होते हैं इसके। एक होता है वीक एआई, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एआई और एक होता है सुपर एआई। तो आप ये समझिए कि अभी हम सुपर एआई की तरफ बढ़े भी नहीं हैं, अभी हम वीक एआई के फेज में हैं एंड सुपर पे काम चल रहा है। और जब हम वीक एआई की बात सुपर एआई की बात करेंगे तो हम इस तरह के मशीन्स डेवलप कर लेंगे कि जो ह्यूमन बींग से भी वो बहुत ज़्यादा उनकी सोच से भी ऊपर काम करेगी। ठीक है, अलग अलग जो लेवल है उसके अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। अभी आप जो यूज़ करते हैं, जैसे आपके वॉइस असिस्टेंट हैं एप्पल पे, आपके पास शीरी है, गूगल में असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट है, तो ये सब हमारे अभी वीक एआई है ना, इसमें उसको सुपर एआई बनाने की कोशिश हो रही है, स्ट्रॉन्ग एआई बनाने की कोशिश हो रही है, अभी सुपर एआई बनाने का काम चल रहा है। ठीक, तो ये उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। बात करेंगे आगे इसके बारे में फिर कभी।